हर खबर हर घर आई टुडे न्यूज पर। स्वागत है आपका आई टुडे न्यूज में। मैं हूं मुजीबुर रहमान अफजलपुर। आज इंडी शहर में इंडिया अंजुमन इलेक्शन को लेकर और मौजूदा कमेटी के प्रेस का जवाब देने के लिए मुन्ना डांगे और मौजूदा कमेटी के रुकन हमीद मुल्ला ने मौजूदा कमेटी पर जमकर बरसे और मौजूदा कमेटी पर सिर्फ अध्यक्ष और सेक्रेटरी का अंजुमन पर कब्जे का लगाया आरोप। 3 साल के परेड में सिर्फ 2 साल अच्छा काम करके 1 साल लूटने का भी लगाया आरोप और किसी मेंबर को ना लेकर ना पूछ कर अध्यक्ष और सेक्रेटरी अपनी मर्जी से फैसले लेने का भी लगाया आरोप। आई टी न्यूज के सवालों से पता चला कि 3 साल में एक मरतबा भी जनरल बॉडी मीटिंग नहीं बुलाई गई। वजह यह बताई गई कि शहर के लोगों में इत्तेहाद ना होने की वजह से मीटिंग नहीं बुलाई जाती कहा। इसे पता चलता है कि लोग सिर्फ वोट डालकर कमेटी बनाकर घरों में बैठ जाएं और कमेटियां इदारे का तमाशा बनाती रहे। इस मौके पर आई टुडे न्यूज के न्यूज रिपोर्टर मुजीब अफजलपुर ने तीखे सवाल भी किए। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अंजुमन के सिलसिले में मैं तमाम अंजुमन जनरल बॉडी और इस दिल्ली शहर के लोगों को कल 10 तारीख शशिकला जोड़े जी ने जो हमारे राज्य के हमारे स्टेट के वक्फ मिनिस्टर और जिला मिनिस्टर इंडी को आए थे उनके पास हमारे चंद नौजवान इलेक्शन का मैटर लेकर उनको एक मेनवी दिया गया। उसी तरह कमेटी वालों ने अपनी तरफ से संस्था के फंड के लिए भी अर्जी दी गई। हमें इस बात से नाखुशी इस पर है कि जब गांव के लोग इदारे में किसी व्यक्ति को या किसी जनरल बॉडी के मेंबर को एक इलेक्टेड मेंबर बनाती है तो नियम के अनुसार कानून के अनुसार उसको 3 साल का मोहलत दिया जाता है। न जाने ये जो अब प्रेजेंट कमेटी है क्यों इनके जहन में ये चीज़ नहीं आती कि ये आज 5 साल का वक्त गुजर रहा है इनका जबकि इलेक्शन का मैटर भी चल रहा है कोर्ट में बोर्ड में उसके बावजूद भी न जाने इनकी कौन सी ऐसी ख्वाहिश है अंजुमन में डट के बैठ जाना कुर्सी पर शर्म की कोई न लिहाज रखते हुए इन गलत कारनामों से इन गलत एक्टिविटीज से समाज में ये क्या बतलाना चाहते हैं जबकि हमें जब मोहलत दिया गया 3 साल का उसका पूरा होने पर लोगों से ताल्लुकात नहीं लोगों को बुलाकर कुछ बोलना नहीं अपने आप में मगन रहना और अपने आप में अंजुमन में मैं चेयरमैन मैं झंडा चढ़ाऊं मैं शादी ब्याह में स्टेज पर बैठूं यही सोच रख के ये जो वक्त गुजार रहे हैं इसे हम क्या नाम देंगे। मैं भी पिछली कमेटी में था एक माजी सेक्रेटरी के तहत में था जैसे ही हमारा वक्त हुआ हमने इलेक्शन का ऑर्डर लाकर एसी के हाथ में थमा दिया और वक्त ख़त्म होते ही हम इलेक्शन की कार्रवाई शुरू कर दी। थोड़ी बहुत हमारे में प्रॉब्लम आई थी हमारे एमएलए सुंदरागौड़ के साहब के तरफ से एसी साहब को बोलकर हमने इलेक्शन को जारी में करवाया। ये लोग को जब तक पब्लिक और नौजवान बोल नहीं रहे और बोलने के बावजूद भी ना सुनकर ऐसे ही दिन गुजारते रहे ये अलग बात है कि आज कोविड-19 का मामला चल रहा है लेकिन इनका परेड इनका वक्त जो गुजर चुका है कोविड-19 से पहले गुजरा है। हमारे सेक्रेटरी कहते हैं जबकि आज इस वक्त अनधिकृत सेक्रेटरी हैं वो और अनधिकृत अध्यक्ष हैं वो उनकी बोली कल होती है मीडिया में जिसके तहत मैं आज कॉन्फ्रेंस न्यूज दे रहा हूँ
वो कहते हैं कि कोई एक व्यक्ति हाईकोर्ट को गया है, इस वजह से इलेक्शन के लिए देरी हो रही है। मैं समझता हूं भाई सेक्रेटरी साहब, तुम्हारे 10 या 11 जंग में 11 मेंबरों में एक मेंबर का इंतकाल हुआ है, नई कमेटी जैसे ही मुंतकल हुई 6 महीने में आपका एक मेंबर इंतकाल हो गया। तुम एक मरे हुए मेंबर को, इंतकाल हुए मेंबर को नहीं भर सके, नहीं ले सके, तुम्हें वो सलाहियत नहीं है। अब तुम हमारे ऊपर ऐसा तोहमत लगा रहे हो कि हम जाने से कोर्ट को इलेक्शन रुकी हुई है। भाई हम इन टाइम आपको अर्जी दिए थे, इन टाइम आपको समझाए थे, इन टाइम आपके साथ बातचीत की थी, तमाम मेंबरों को हमने राय मशवरा किया था, जिसमें मेरे साथ हमीद मुल्ला भी मौजूद हैं जो हाल ही अब तुम्हारे साथ में मेंबर हैं। तमाम मेंबरों से बताकर मैंने आपको अर्जी दी थी कि तुम्हारा टर्म खत्म हो चुका है, आप इलेक्शन पर कार्रवाई कीजिए। आप वो लेकर, आपके मेंबरों से भी चर्चा नहीं किया, आप वो लेकर हमसे हंसी के तहत, मजाक के तहत उसको केयरलेस किया। वो देख कर मैं वक्फ बोर्ड को समझाया, वक्फ बोर्ड ने भी कोई डिसाइड नहीं लेने के बाद मैंने लोगों के हक के लिए, लोगों की अंजुमन लोगों के हक में ला के देने के लिए मैंने कोर्ट में जाकर इलेक्शन की अपील की। जैसे ही जज साहब के सामने कोर्ट दाखिल केस दाखिल हुआ, जज साहब ने अर्जेंट कमेटी के अध्यक्ष को विदिन 5 डेज के अंदर हाजिर होने के लिए डायरेक्शन दिया। तुम डर से अपने आप को एक्सपायर कमेटी को बचाने के लिए भाग किया है, बल्कि इलेक्शन करने के लिए नहीं। आज लोगों को कह रहे हो हमने इलेक्शन के लिए वहीं भी सबमिट किया, यहां भी सबमिट किया। मुझे एक तो ऐसा डॉक्यूमेंट बताओ जो तुम इन परेड के अंदर सबमिट किया हो, या लोगों को बुलाकर इलेक्शन का परेड आ चुका है, इलेक्शन करेंगे क्या, क्या उसकी चर्चा की हो? भाइयों वो क्यों कहते हो जो तुम तुम्हारे जगह पर सच नहीं हो? चंद लोगों को तो झूठी अफवाह फैलाने की आदत पड़ गई है, जबकि वो दीनी और इस्लामी इदारा है, इसे भी समझ नहीं पा रहे, सिर्फ कहने की हद तक हो चुका है। झूठ बात का परपंडा तो बेफास्ट फैलता है। मैं नहीं चाहता किसी को गीबत करूं, किसी का टीका लगाऊं, लेकिन हालात मजबूर कर रहे हैं। नौजवान खामोश नहीं रह रहे, नौजवान परेशान हो रहे हैं। हर किसी को मौका मिलने दो, हर किसी का हक है। आज तुम डेवलपमेंट कर रहे हो, जुबान से कह रहे हो, कोई और डेवलपमेंट हो जाए, कोई और डेवलपमेंट आगे करे, जिसे लोग चुनते हैं उसका भी हक है। लोगों का हक लोगों के हाथ में दो, भले तुम अच्छा किए हो तो लोग फिर तुमसे तुमको लाएंगे। क्यों ये तुम्हारे समझ में नहीं आता? मैं जो तुम कल कहे हो उन बातों को सोचो और समझो, क्या कह रहे हो। और कोविड के हालात चल रहे हैं, चंद बुजुर्ग भी हमारे समझ नहीं रहे इसमें, वो भी जाके मनवी दे रहे हैं। मनवी देने से शिकायत नहीं है हमारी, समझना यह है कि सरकार का गाइडलाइन है, संघ स्तरीय संस्थे को इलेक्शनों को रोक दिया जाए चंद वक्त तक, और हाईकोर्ट में भी इसीलिए पेंडिंग है ताकि कोविड चल रहा है, स्लो चल रहे हैं बेंच, ये सब हालात तुम एक दूसरे राय मशवरा करें तो पता चलता है। सब अपने जाति मफाद के लिए, अपनी खुद की एक पहचान के लिए समाज में ऐसे इंतजार पैदा करने से बेहतर है कि मुलाकात कर लो, एक दूसरे की राय मशवरे के बात कर लो तो बेहतर होगा, और अंजुमन के लिए भी बेहतर होगा। मैं कहता हूँ प्रेजेंट जो इलीगल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट हैं, उन लोगों की मेरी रिक्वेस्ट है, तुम जो भी कहना है अगर तुम सच्चे हो अपनी जगह तो जनरल बॉडी कॉल करो, जनरल बॉडी के सामने बताओ, मैं भी तैयार हूँ उसके लिए। तुम्हारे पास कोई पेपर है तो तुम लेके आइए, मेरे पास पेपर है तो मैं लेके आऊंगा। जनरल बॉडी हमारी सुप्रीम है, जनरल बॉडी हमारी आखिरी है, वही हमारे को मुंतखब करने वाली है, वही हमारे को अधिकार मिलाने वाली है, वही अधिकार से हटाने वाली है। क्यों ना हक किसी को तोहमत कर रहे हो? मैं चाहता हूँ कि ये चीज अगर तुम्हें फाइनल सच में हक पर है, सच में हिसाब किताब में हक पर है, सच में तुम्हें फंड ला कर किए हुए हैं, मैं मानता हूँ एमएलए साहब फंड बहुत सारा दिया है, जितना तुम्हें करना था उतना तुम नहीं किए, वो कैसा किए वो तुमको सच्चाई साबित करना है तो जनरल बॉडी कॉल करो, मैं तुम्हारे लिए तैयार हूँ। इतना मैं कहकर मीडिया के तहत तुमको आगाह करता हूँ। आपसे 3 साल के पीरियड में मौजूदा कमेटी की जनरल बॉडी मीटिंग कितनी मरतबा बुलाई? यही तो परेशानी है हमारे इस इंडिया अंजुमन की, कि जनरल बॉडी मीटिंग हर 6 साल को, हर 6 महीने को हमें बुलाना चाहिए।
ताकि हमारे 6 महीने में जो एक्टिविटीज हुई हैं फायदा हो या नुकसान डेवलपमेंट हो या जो भी जनरल बॉडी के सामने रखना चाहिए। ये सिस्टम पहले से भी नहीं चलता रहा, लोग इनको आने वाले लोगों को नए एक कुछ नया चेंजेस होगा बोल के ला रहे हैं, वो भी उनसे कई गुना ऐसे ही बैठ रहे हैं और उस चीज़ पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, जबकि अभी तक एक भी नहीं बुलाया और ना बुलाया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि जनरल बॉडी मीटिंग के बुलाने से बहुत से सवाल आएंगे और बहुत से सवाल में वो सपड़ेंगे बोल के नहीं बुलाने की वजह लगती है क्या आपको? बिल्कुल 100%। मैं भी मेरे वक्त में जब मैं जनरल बॉडी कॉल किया था तो उसमें एक यहाँ इंडी में आपको समझाऊं मैं माध्यम के तहत में हमारे इंडी में एक लॉबी बनती है, एक गलत लोगों की भी लॉबी बनती है, मैं कौन गलत ये नहीं कहूँगा, बहरहाल हर गांव में एक मामला रहता है और गलत लोगों की एक टीम बनकर किसी को फंसाया जाता है, किसी को दबाया जाता है, किसी के आवाज़ को बुलंद होने से रोका जाता है। कोई नौजवान अगर उभर के आ रहा है तो तेरा खुद का नाम करके ले, क्यों एक एक्स वाई झेड को साथ देता है, तू खुद तेरे तरीके से काम कर ले, किसी की ताकत को जुड़ने से तोड़ना यहाँ पर ज़्यादा है, इस वास्ते जनरल बॉडी कॉल किया गया था। जब मैं एक बार किया था झूठे सच्चे बातें बोल के अल्लाह वाले लोगों ने ही तोहमत लगाई, जबकि मैं अकेला व्यक्ति भी बोलता रहा, कोई भी मेरा सुनने वाला नहीं था। तो मैं ये बताना चाहता हूँ एक इन्वेस्टमेंट के बुजुर्गाना लोग रिटायर्ड टीचर्स होंगे ऐसे लोगों को बिठा कर जनरल बॉडी कॉल करेंगे, लोगों के सामने हर 3 महीने या 6 महीने या साल में एक बार अगर जनरल बॉडी कॉल करेंगे तो सच्चाई सामने आएगी। इसमें सच्चाई साबित होती बोल के ही जनरल बॉडी को नहीं बुलाते, यही एक सबसे बड़ा मुश्किल है। और जनरल लोग भी एक यूनिटी नहीं बना पा रहा है, बड़े लोग की भी एक यूनिटी नहीं बन पा रही है, इस वास्ते अंजुमन जरा कष्टा हालत और परेशान में है। मेरा और सवाल यह है कि उन्होंने कल के प्रेस मीट में कहा था कि हम इलेक्शन करने के लिए तैयार है, मामला कोर्ट में है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कोर्ट में मामला जाने से पहले क्या आपने पूरे मेंबर और कमेटी को मशवरा किया था कि मैं कोर्ट को जा रहा हूँ आप इलेक्शन नहीं करने की वजह से? मैं अगर कहूँगा तो मेरी खुद की सफाई देर जैसा होता है। अब मेरे साथ मौजूद मेरे हमीद मुल्ला साहब हैं जो प्रेजेंट मेंबर हैं, मैं पूरे 11 मेंबर को समझाया और उनको सबको नॉलेज में ला के उनको एक अप्लीकेशन भी दी इलेक्शन करने के लिए पहले, वो नहीं करने के बाद ये पूरे 11 मेंबर की इजाज़त लेके मैं कोर्ट गया हूँ, वो भी 3 साल का पीरियड खत्म होने के बाद 6 महीने तक इंतजार किया मैं, 6 महीने के बाद आखिरी 1 साल में 34 साल में मैं कोर्ट गया हूँ, वो भी मैं चाहे तो रिकॉर्ड दे सकते हैं। और मैं कमिटी को बोला हूँ या नहीं बोला हूँ कि डायरेक्ट कोर्ट को गया हूँ, या तुम चाहे तो मेरे सामने ही 1 सेकंड के लिए हमीद मुल्ला को पूछ सकते हैं। नहीं, मैं उनसे पूछूंगा आने वाले वगैरह, मतलब उनकी बात लेने के बाद है। और एक मेरा सवाल यह है, जब मसला कोर्ट को जाने के बाद इलेक्शन आके परेशानी इलेक्शन के लिए हो सकती है, मालूम रहने के बावजूद भी उन्होंने कोर्ट को जाने की जो ये किए हैं, मेरा मतलब बोलने के साथ यह है कि उनको मालूम है कि कोर्ट को जाने के बाद मसला और भी उलझ सकता है, इसके बावजूद भी उन्होंने कोर्ट को जाने के लिए मजबूर किया? नहीं, एक्चुअली कोर्ट को जाने के बाद मसला उलझता था नहीं, ये कोरोना आने की वजह से जो है मसला कोर्ट में डिले कंडीशन में चला गया। वो 5 दिन की जो नोटिस इमरजेंसी थी इसमें इनको जाना ही जाना था, अगर ये न आते तो उस जगह एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट होता था और कोर्ट की नज़र में गिल्टी नजर आते थे। इन्होंने गिल्टी चीज़ को बचने के लिए कोर्ट को हाजिर हुआ। टाइम ये है कि देश का और दुनिया का और हमारे संजुमन का कि कोरोना की वजह से डिले चल रहा है, ना कि किसी के रुकाने से या रोकने से। मेरा ये सवाल है, तो कोविड का तो जो मसला है वो 2 साल पहले था, मगर इनका कार्यकाल था 3 साल का, 3 साल कोविड से पहले ही खत्म हुए थे, क्या इलेक्शन की तैयारी मतलब प्रोसीजर को 3 साल का कार्यकाल खत्म होने के बाद में तैयारी इलेक्शन की करनी चाहिए या 6 महीने पहले करनी चाहिए? हाँ, मैं यही बताया हूँ इससे पहले भी कि जब मेरे वक्त जब मैं 2011 से लेके 2016 तक था, जबकि हमें भी 2 साल या 3 साल एक्स्ट्रा हुए थे, वो इसलिए हुए थे वो जगह मैं सेक्रेटरी से हट कर मेरे 2 और व्यक्तियों को वहाँ पर बिठाया था जो उधर मौलाना और सलीम थे, ये लोग भी उस वक्त इलेक्शन नहीं किए थे। तो मैं जनरल बॉडी की सिग्नेचर लेके हमारे MLA साहब के नॉलेज में ला कर मैं बोर्ड से AC को ऑर्डर करवा के ला के रखा था इन टाइम। उसके बाद ये सलीम भाई और उमर मौलाना के क्या अंदरूनी ये थे नहीं मालूम, उस वक्त इलेक्शन डिले कंडीशन में जा रही थी। तो मैं ये इसलिए कर रहा हूँ आपके सवाल को बताने के लिए, ये मेरे को ज़रूरी है, अंजुमन से जुड़ा हुआ चीज़ है। तो कोई एक परेशानी में उस सेक्रेटरी को एक चीज़ में इन्वॉल्व होकर
उनकी परेशानी आने के बाद प्रेसिडेंट का सेक्रेटरी की जगह भी हमारे अध्यक्ष उस वक्त के ले लिए। तो दोनों वो रहने के बाद वो इलेक्शन नहीं कर रहे थे वहाँ। उस वक्त मैं मेंबर था, मैं मजबूर था, कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि चेयरमैन और सेक्रेटरी का जो अधिकार होता है उन्हें ही खुद यह करना पड़ता है, क्योंकि मैं नहीं कहता, यह हमारे संस्था का सिस्टम कहता है। तो उन्होंने नहीं करने की वजह से मैं मजबूरन एक लोगों की साइन लेके, लोगों को जमा करके, लोगों नौजवानों की सिग्नेचर लेके मैं एक निर्णय लिया वहाँ पर। वो निर्णय के तहत मेरे को फिर एक बार कमेटी में सेक्रेटरी बन के, इलियास बोरामनी को चेयरमैन बना के, अयूब भगवान को उपाध्यक्ष बना के मुझे फिर कमेटी में आना पड़ा। आने के बाद जैसे ही उन लोगों को पता चला इन्हें नौजवानों की कमेटी बना के लाया, यह कमेटी नहीं छोड़ेगा, ये सोचकर उन लोग क्या किए, हमारे MLA साहब से जाके मुलाकात किए, साहब ये मुन्ना ऐसा ऐसा किया है, आप कमेटी के अंदर वही नहीं है, उन्हीं सुप्रीम है, ऐसा साहब को हमारे कन्फ्यूज किया है। साहब ने क्या है, समाज के हित के वास्तव कभी भी मुसलमान के फेवर में है हमारे साहब। उन्होंने बोले मुन्ना ये इलेक्शन मारबेको एलआर जो तेल हो बेको करके मुझे बोलने के बाद मैं साहब की बात को एक्सेप्ट करके AC को जाके मिलकर इलेक्शन डिक्लेयर करवाया। तो बोले मतलब ये है, ऑर्डर लाके इन टाइम तुम AC के पास फेंकोगे तो ही इलेक्शन होगी, तुम्हारा टर्म खत्म होने के बाद तुम एक्सपायर डेट पे चलते हो, तुम्हारी एक्टिविटीज लीगल होगी ही कैसे, तुम पहले ही इलेक्शन फेल हो चुके हो तुम्हारे इन टाइम करने के बिना करने के वजह से। मेरा आखिरी सवाल यह है आपसे कि लोगों को यह पता नहीं चल रहा है कि अंजुमन इलेक्शन किस तरह होगा, कौन करता है, कैसे करना चाहिए, कमेटी को क्या एक्टिविटीज करने, लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। लोग सिर्फ कंफ्यूज हैं कि मसला कोर्ट में है, कमेटी कर रही नहीं है, कमेटी दी नहीं है, मतलब वाद विवाद ही चल रहा है। मैं आपसे ये लोगों को आपके जरिए से साफ करना चाहता हूँ कि अंजुमन इलेक्शन कराने का प्रोसीजर क्या है। बिल्कुल सही और बहुत अच्छा सवाल है, लोगों को समझने के लिए और लोग इसे समझ मिले, क्योंकि आज कमेटी रहती नहीं रहती है, नहीं कमेटी के जिम्मेदार रहते नहीं थे, मुन्ना टांगिया रहता नहीं रहता है, सिलसिला रहना चाहिए, कानून को समझना चाहिए। आज हमारी कौम कानून को न समझ के, दफ्तर में न आके, डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड्स में सही तरीके से न समझ के आज हम पीछे पड़े हैं। एक्चुअली इलेक्शन का परेड जब हमारा 3 साल का होता है, उस वक्त हमें 3 महीने पहले ही हमारा टर्म खत्म होने का एक रिपोर्ट सबमिट करना चाहिए, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी कमेटी के थ्रू हो या डायरेक्ट CO के थ्रू। प्रेजेंट चेयरमैन और प्रेजेंट सेक्रेटरी एक रेजोल्यूशन पास करके अपना टर्म से खत्म होने का एक डिक्लेरेशन देना, और वो जाकर उसका एक आदेश भी करके लाना, इलेक्शन ऑफिसर को अपॉइंट करा के लाना। फिर जैसे ही इलेक्शन ऑफिसर आता है, वोटर लिस्ट की तैयारी शुरू होती है, उसकी प्रक्रिया शुरू होती है। इन प्रेस इन टाइम हमारा वक्त 3 साल खत्म होने से पहले अगर उसमें ये लोग नहीं किए तो विफल हो गए, है ना, इनका टर्म एक्सपायर हो चल रहा है। अगर इसके बाद अगर न करें तो जनरल बॉडी का फर्ज बनता है कि जनरल बॉडी इमीडिएटली जनरल कॉल करे, जरूरी नहीं कि चेयरमैन सेक्रेटरी ही करना, कोई 1-2-4 मेंबर भी जनरल कॉल करके, जनरल लोगों को इकट्ठा करके वहाँ पर एक निर्णय लेकर, लोकल MLAs होते हैं सरकार में जुड़े हुए रहते हैं, उनके थ्रू या कमेटी की यूनिटी के थ्रू डिस्ट्रिक्ट में रिपोर्ट करके इलेक्शन ऑफिसर अपॉइंट कर सकते हैं। अब जो एक्सपायर कमेटी का जो टर्म चलता रहता है, हो सके तो वहाँ पर एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करके इन लोग को वहाँ से हटाकर आम आदमी की तरह बनाकर इलेक्शन की एक्टिविटीज करवा सकते हैं, ये जनरल बॉडी भी कर सकती है, जरूरी नहीं कि चेयरमैन और सेक्रेटरी ही किया जाए। इंडी के जनरल बॉडी जो आप कह रहे हैं मेंबर्स करना चाहिए, तो ये इंडी के जनरल बॉडी मेंबर्स क्यों नहीं किए, ये बहुत बड़ा सवाल है। वही तो मैं इससे पहले कह रहा हूँ आपको, हमारे यहाँ ग्रोह में बदला जा रहा है, चंद नौजवान अगर उठेंगे तो उनको एक अलग दिशा से खींचा जा रहा है, जबकि वो लीगल राइट्स पर कैसे जाना पता नहीं, उनको दिशा चुका दे रहे हैं, जो सही ले जाना चाहता है उसको यूनिटी नहीं दे रहे। ये एक्चुअली हमारे एक चंद लोग, नौजवान हो या बुजुर्ग, एक इत्तेहाद मेड के, एक पीस मेड के, समाज के आगे बढ़ने के लिए एक सोच जब तक नहीं बनती, ग्रुपों में अगर हमें तकसीम होते गएंगे तो जनरल बॉडी में भी ना इत्तेफाक रहने वाला और ये हालात कोर्ट तक जाने वाले। आपका नाम? मेरा नाम JM मुन्ना टांगे, यानी जमीन उर्फ मुन्ना टांगे, मैं माजी सेक्रेटरी हिंदी अंजुमन इस्लाम कमेटी। आज जो अंजुमन कमेटी, अंजुमन इस्लाम कमेटी के बारे में जो बातें चल रही हैं लोगों गाँव में, उसके ताल्लुक से मैं आज अंजुमन के एक मेम्बरान मेंबर होने के नाते लोगों को बताना चाहता हूँ कि अंजुमन इलेक्शन अभी तक किस वजह से नहीं हुआ। अंजुमन इलेक्शन जो 3 साल का पीरियड रहता है, 3 साल का पीरियड में
हमारा पीरियड जो था 3 साल के पीरियड में जो बातें हुई थी, हमारे चंद बातें हुई थी, लोगों ने हमें चुन के देने के बाद एक नए तरह से अच्छा काम करते हैं बोल के भरोसे से हम चुने थे, उस वजह से हमें अच्छा काम भी किए, लेकिन रूमों को भी बनाने का काम किए। और एमएलए साहब का बहुत बड़ा, हमें शंकर राय पाटिल साहब का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा, उनके फंड आने के बाद भी काम हुआ है। वक्फ बोर्ड की तरफ से हमना जो भी फैसिलिटीज़ मिलना था, जो भी हमें फंड मिलना था, वो फंड हमें आज तक अभी 5 साल में नहीं मिला। हमें एमएलए साहब के फंड बेसिस अभी तक डेवलपमेंट काम करे सर। और बोलना यह चाहता हूँ कि इलेक्शन के तहत से अब लोगों में बहुत बेदारी आ गई है गाँव में, क्यों नहीं कर रहे थे बोल के, तो हमारी भी गलतियाँ हैं कि 3 साल से पहले हमें वो उस प्रोसीजर को हमें जारी करना था, नहीं किया किसी, ये हमारे प्रेसिडेंट अयूब बागवान होंगे या सेक्रेटरी अकील हवादार होंगे, इन्होंने अपना ही काम किया। 2 साल तक कमेटी को बुलाए, सब लोगों मेम्बरान को बुलाए, बुला के मीटिंग किए, लेकिन उसके बाद तो इन्होंने किसी को बुलाए नहीं, किसी के बिना बताए। आज तक जो भी फंड है जितना भी है, उस कौन से भी मेम्बर को इसके बारे में मालूम नहीं है कितना खर्च करे क्या करे। बातें तो ऐसे करते हैं कि इनको दीन मालूम है, दूसरे को किसी मालूम नहीं है। दीन का मतलब है, इस्लामी इदारा बोले तो वक्फ की प्रॉपर्टी है, अल्लाह की प्रॉपर्टी हो, अंजुमन बोले तो किसकी प्रॉपर्टी, अल्लाह की प्रॉपर्टी हो, वैसे जगह अल्लाह वाले जाते हैं दूसरे नहीं जाते। लेकिन हमें अल्लाह को डर को काम करना है बोले तो सबकी नज़र में जितने भी मेम्बर्स 11 जना को लोगों को चुन को देने का अधिकार है, चुन को दिए हैं, तो उन 11 लोगों के मौजूदगी में ही उनके नज़र में रख कर वो काम करना है कि बाकायदा अगर अच्छा काम भी करना है तो हमको बता कुछ करना है। हले में अच्छा काम करिए, हमने मेंबर को किसी को बताया नहीं, ना उपाध्यक्ष को पता है, ना किसी मेंबर को भी पता है आज तक क्या खर्च करे अंजुमन का, कितना पैसा आया, उसके बारे में कुछ भी नहीं। अपने खुद सुप्रीम होकर दोनों सेक्रेटरी और अध्यक्ष बनाकर हमें काम करें, लोगों के बीच में बहुत बड़ा नाम करें, ऐसा नहीं रहता। हाँ, तुमने 3 साल टाइम दिया, लोगों ने 3 साल टाइम दी, हमें 3 साल के अंदर जितना काम करें हमने उसे एक्सेप्ट है, आज मैं मानता हूँ उस चीज़ को। लेकिन 3 साल के बावजूद भी 2-3 महीने बच्चे जब भी प्रोसीजर कंप्लीट करा था, इनकी सरासर गलती है। इन्होंने अभी अहदा रखना चाहते हैं, मैं भी सुना कल कि अखिल हवालदार ने कहा कि मैं अभी काम करना चाहता हूँ। अरे भाई काम करने लोग तुम्हें चुनते हैं, लेकिन अच्छा कहाँ काम करें, लेकिन कब हो 3 साल के पीरियड में, तुमने अभी इलेक्शन की नहीं किए 3 साल के अंदर, सर को अगर भी हमें तुम अच्छा काम करें बोलो, लोगों के बीच में आओ फिर वोट मांगो, लोग फिर तुम्हें चुनते हैं, भरोसा आ रहा तो फिर चुनते, अच्छा काम करो, अल्लाह मौका देना उस चीज़ को, हर चीज़ का हिसाब यहाँ नहीं मिला ना, कुछ चीज़ें ऐसे होती ऊपर भी देना होता अल्लाह, सब हमें यहाँ अच्छा करें, हम सब अच्छा यहाँ कराएंगे तो नहीं होता, वो गलत। तो सबसे पहला हमीद मुल्ला से एक सवाल है कि तुम मौजूदा मेंबर हैं यहाँ पर, मेरा पहला सवाल साफ यह है कि क्या ये कमेटी में जो 10 मेंबर हैं, एक मेंबर तो इंतकाल कर गए, 10 मेंबर थे, क्या 10 मेंबर सारे के सारे एक जहन के एकता के तौर पर काम किए हैं या नहीं, एक मेरा शॉर्ट लिखो क्वेश्चन। ऐसा तो नहीं होता, हमारे स्टेट में 224 सम्मेलन सब ऐसा अपोजिशन भी रहता है। अब हमारी कमेटी भी 11 मेंबर से खुदा ना खास्ता एक लेकर माजिद सौदागर उनका इंतकाल हुआ 6 महीने 7 महीने में, तो 10 जना रहे, 10 जना में हमें ऑलरेडी हमें मेजॉरिटी में थे, हमें 6 जना जो होते हमें बाकायदा, और 4 जने को भी हमें अपोजिशन की तरफ नहीं देखते थे, उनको साथ में लेकर ही मीटिंग में बटा को जो भी काम रहता है उनसे ओपिनियन लेकर उनसे भी राय मशवरा करके हर चीज़ को हमें क्या है हासिल करके ही काम किए। लेकिन अपोजिशन भी रहता, लेकिन बोलते वक्त क्या है उनके उनकी राय हम लेते थे, लेकिन जो काम सही लगता था हम 6 जना मिला को भी उस काम को अंजाम दे देते। बिल्कुल सही आपकी बात है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो अंजुमन इदारा जो है सरकार की तरह चलाने से भी बेहतर रहेगा कि एकता में अगर चलता रहा तो आज ये नौबत नहीं आती कि मेरा ओपिनियन है। क्या आपको लगता है कि एकता के साथ चलना जरूरी था? एकता मेरा बोलने का मतलब यही है, सब एक जहन के लोग तो नहीं रहते, सब अलग अलग रहते हैं, और हमारे गांव में एक बहुत सालों से एक ये चलता है, क्या बोले तो फेवर रहती, या मैं बोले तो मेरे फेवर भी थोड़े जना बात करने वाले थी, मुन्ना भाई बोले थे तो उनके फेवर भी थोड़े जना बात कर रहे थे, कमेटी में ऐसा चुन के
सब गांव के लोग मिलकर 11 जना चुन देते, मतलब सबकी सहन तो एक नहीं रहता वहाँ अध्यक्ष और सेक्रेटरी बनाने के बाद थोड़ा बहुत तो ना इतफाक होने वाले थे। बिल्कुल, मगर लोगों को उम्मीद ये रहती है कि अंजुमन का जब इलेक्शन होगा 11 मेंबर आएंगे, तो 11 मेंबर पूरे मिल के क्या है अंजुमन को डेवलप करेंगे कि ये जहन के हिसाब से लोग चुने हुए थे। लोगों को ये नहीं मालूम कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनने के बाद में लोग मेंबर्स क्या है बढ़ जाएंगे और अंजुमन की क्या है ये हालत होगी लोग नहीं सोच रहे। फिर और मेरा ये क्वेश्चन रहेगा कि आने वाले वक्त में क्या ये 11 मेंबर उम्मीद रख सकते हैं कि क्या लोगों के जहन में 11 मेंबरों की जो कमेटी है वो अच्छे ख्याल लोगों के जहन में रहेंगे आपको लगता है? सबका इलेक्शन में हिस्सा लेने के बाद सबकी कोशिश ये रहती है कि इस्लामी इदारा भी हम वहाँ जाके अच्छा काम करेंगे, अल्लाह को डर को काम करेंगे, वहाँ का कौन सा भी गलत काम नहीं करेंगे, वहाँ का कौन सा भी एक हिस्से का काम दूसरों जगह नहीं ले जाकर हमें ऐसा गलत काम नहीं करेंगे करके सोच रहे थे। लेकिन वहाँ आने के बाद थोड़े नाइतफाक बढ़ते ही जाते हैं, लेकिन हमें नहीं करना चाहिए वो। हमें सब जने मिलकर 11 जने 100 जने मेंबरशिप भले ही एक ऑफिशियल वर्क रहता है, इसलिए तो एक अध्यक्ष सेक्रेटरी उपाध्यक्ष बनाया जाता है, लेकिन वो लोग क्या करते हैं उसको गलत इस्तेमाल करते हैं। पहले बनने तक क्या है एक मामला ऐसा रहती है कि भाई सबको लेप चलू मैं करके बोलते हैं, जैसे ही बनते हैं बनने के बाद क्या है किसी का भी नहीं सुनते, अपनी मन मर्जी चलाते हैं, किसी का भी सुनते नहीं। अध्यक्ष रहते सेक्रेटरी रहते उपाध्यक्ष रहते, इनका काम रहते कि भले ही सब मेंबरों को लेकर काम करना, सबके नज़र में लाना, वो कुछ भी नहीं रहता। बने थे कि एक बार बनने के बाद क्या है हमें बड़े हो गए हमने वहाँ बटाना यहाँ बटाना हमें अध्यक्ष सेक्रेटरी यही ये हो गया। ये आने वाले दिनों में मैं भी कोशिश करता हूँ कि आने वाले दिनों में ये चीज़ें नहीं आना हमारे अंदर। और एक चीज़ ये है 3 साल कार्यकाल खत्म होने के बाद सारे मेंबर्स और अध्यक्ष उपाध्यक्ष और सेक्रेटरी रिजाइन देना था, रिजाइन दे के क्या है वक्फ बोर्ड को पूरा डॉक्यूमेंट सबमिट करना था, हमें रिजाइन देने हमारा मतलब क्या पूरा कार्यकाल खत्म हुआ, अब आप क्या है इलेक्शन करोगे क्या? क्या आपकी कमेटी ने ये रिजाइन लेटर आपसे मंगा, अध्यक्ष ने मंगा और आपने रिजाइन दिया था? रिजाइन के ताल्लुक से कुछ भी बात नहीं हुई आज तक ये 3 साल के पीरियड में, ना सेक्रेटरी ना अध्यक्ष कभी मेंबर को बोले हमारा पीरियड खत्म हो रहा है इलेक्शन कराना, कुछ भी राय मशवरा नहीं उनका, जैसा चल रहा है चलन दे और भी हमें मौका मिलता है और भी हमें रहने वाले, ये इनकी कोताही है बिल्कुल कि बोले तुमको और भी रहना है बोले तो इलेक्शन कराना है, बगैर इसके रहे तो इनको इज्जत नहीं मिलने वाली, इलेक्शन करा को फिर जीतो तुम, अल्लाह तुमने ताकत दिया तो फिर जीतो, अल्लाह तुमने चुना तो फिर जीतो, लेकिन इलेक्शन करा कि कुछ भी हमने पूछे नहीं, ना रिजाइन पूछे रिजाइन लेटर तो देने की बात ही नहीं होती कि बोले तो जैसा ही हमारा पीरियड 3 साल का खत्म होने आते हैं हमारा सेक्रेटरी जो रहते हैं हमारे प्रेसिडेंट से बात कर लेकर हमारा 3 साल का पीरियड खत्म हो रहा है, तो ऑलरेडी दो तीन महीने पहले जो प्रोसीजर बना के जिला वक्फ बोर्ड को समझाना था, इन्होंने कुछ भी नहीं समझा, लूज करते गए और भी इनको इनकी आस है और भी करना बोल के। अब मेरा एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये अंजुमन का मसला रहा ये इलेक्शन का मसला रहा, अब आने वाले वक्त पे वोटिंग की तैयारी लोगों के बीच में करनी है, क्या वक्त बहुत ज्यादा हुआ अभी आपकी कमेटी मौजूदा कमेटी लोगों की वोटिंग लिस्ट बनाने में किस तरह काम अंजाम देगी ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अगली पिछली बार क्या है बड़ा वक्त रहने के बावजूद भी बहुत से लोगों के नाम नहीं आए, अब शॉर्ट टाइम में क्या है लोगों के नाम कैसे ऐड करेंगे, अगर ऐड नहीं होंगे तो इसका इल्जाम किस पर लगेगा ये बहुत बड़ा सवाल है। ऐसा कुछ नहीं होता, प्रोसीजर रहता है 1 महीने का या 40 दिन का ऐसी परमिशन देते हैं, 40 दिन के अंदर तुम्हें वोटिंग लिस्ट बना लो बोल के, हर एक इस्लामी भाई का फर्ज बनता है कि वो खुद आकर अपना वोट अंजुमन में बनाकर वोट डाल और खुद अपने राय से वोट डालने की ताकत पैदा करे, कि ना कि वहाँ बैठ करके मेरा वो वोट बनाओ ये बनाओ ये नहीं बनाना, खुद आना अपने अंजुमन के लिए बेहतर समझते हैं, अंजुमन इदारा जो है बहुत बड़ा इदारा है, 1963 में अंजुमन की फाउंडेशन चालू हुई, जब से अभी तक बहुत बढ़ना था अभी तक नहीं बढ़ा, फिर उसके बाद 1974 में क्या शांति शहर बने, आज बहुत बड़े डेवलपमेंट की कगार को है, वो BSc भी लाए हमारे पास कुछ भी नहीं है, कौन सी भी नए डिग्रीज नहीं है, उसकी वजह यही है हमारे में इख्तलाफ होने की वजह से जो मेम्बरान को चुन को दिए रहते हैं वो मेम्बरान सही नहीं 11 जना नहीं काम सही करने की वजह से सब तो अभी तक आज तक अंजुमन का काम डेवलपमेंट नहीं हुआ। आपका नाम? अब्दुल हमीद मुल्ला।